आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ढंग से सुनेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, फॉर्मेट बेस्ड है, कहानी समझना ज़्यादा ज़रूरी है, स्टोरी लॉजिक और कंसेप्ट दिमाग में रहेंगे तो ये चैप्टर टेंशन देने वाला नहीं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज, हम लोग जो कुछ भी अकाउंट्स में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं अकाउंट्स में, हम कोई चैप्टर क्यों पिक करते हैं, केवल एक ही चीज के लिए। हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो यहां पे? हमारी बात छोड़ दो, नहीं तुम लोग क्यों पढ़ रहे? नहीं तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? रिजल्ट के लिए। उसी तरह एक कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है रिजल्ट के लिए। साल भर पढ़ा, रिजल्ट एक पेज में आया। साल भर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की और उनका रिजल्ट एक पेज में आएगा, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इज इट क्लियर? हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी की और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सर हम लोग तीन तरह से निकाल सकते हैं। पहला, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज एंड कॉरपोरेट एंटिटीज नॉर्मल एंड कॉरपोरेट एंटिटीज स्पेसिफिक। नॉर्मल या नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज के केस में हम लोग कहते हैं सर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। हाँ या ना? लेकिन अगर कॉरपोरेट एंटिटीज की बात करें तो पहले कंपनीज एक्ट 1956 कंपनियों के ऊपर अपना एक फॉर्मेट देता था, शेड्यूल 6। कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो उसका एक शेड्यूल था, शेड्यूल 6, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता था। याद करना बड़ा आसान है, देखो ना, पहले क्या था, 6 और 6। अब ये खत्म हो गया, उसके बाद इसमें आया था रिवाइज्ड शेड्यूल 6, रिवाइज्ड। लेकिन अब चूंकि पूरा एक्ट रिपील हो गया, अब है आपका कंपनीज एक्ट 2013, और अब जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल 3। देखो ना कितने आश्चर्य की बात है, संयोग है और कुछ नहीं, ये नहीं कि इसके कारण ही बनाया गया, ये संयोग है कि पहले 6 था तो शेड्यूल 6 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब लास्ट में 3 आ गया तो शेड्यूल 3 हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? हमको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी स्टडी करनी है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक नेचर की होती हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर एक दूसरा एक्ट लगता है, जिनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होते जैसे कि आज तक हम लोग जानते थे, माल खरीदना माल बेचना, ना। दे हैव देयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंड दे हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर एंड डीलिंग्स। उनकी डीलिंग्स भी स्पेसिफिक टाइप की होती है और उनके कस्टमर भी स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। बैंकिंग कंपनी के कस्टमर क्या वो अलग नहीं होते एक नॉर्मल कस्टमर से? हाँ या ना? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन होते हैं, उनके कस्टमर क्या वो अलग टाइप के कंज्यूमर नहीं होते नॉर्मल कंज्यूमर से? इंश्योरेंस कंपनीज के कंज्यूमर क्या वो नॉर्मल कंज्यूमर से अलग नहीं होते? बिल्कुल अलग होते हैं। एंड दे जस्ट वॉन्ट टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्लोजर्स ऑल्सो, दे जस्ट वॉन्ट टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग ऑल्सो। वो कंपनी से उम्मीद करते हैं कि कंपनी उनको डिफरेंट टाइप से रिपोर्टिंग करे जैसा वो चाहते हैं। वो एनालिसिस करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कंपनी की पास्ट, प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर।
और उनको उस तरह से इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और सरकार को भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांजैक्शंस की अलग से डिटेल चाहिए, और इन कंपनियों के ऊपर ट्रांजैक्शंस करने के लिए अलग कानून बना है, जैसे बैंकिंग एक्ट। कम बैंकिंग कंपनियों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। SBI को तो स्पेसिफिक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो साथ साथ SBI एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है, और तो और इन सारी बैंकिंग कंपनियों को RBI एक्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। अब बताओ, उसके अलावा दे आर कंपनीज, नाउ वी जस्ट वॉन्ट टू हैव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर Schedule 3, इज इट पॉसिबल? ना, ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें अलग फॉर्मेट देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी IRDA का अपना एक एक्ट है, हाँ या ना? IRDA जो इंश्योरेंस बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, उसका अपना एक अलग एक्ट है। वो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको कंट्रोल करती है, अपने एक्ट से चलाती है। तो क्या हम उम्मीद करें कि ऐसी कंपनियां Schedule 3 के हिसाब से रिजल्ट देंगी? दे हैव देयर ओन फॉर्मेट। इज इट क्लियर? इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के केस में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग है तो सेंट्रल लेवल के अलग हैं, इनके कानून अलग हैं, तो इनका भी हिसाब किताब कुछ स्पेसिफिक टाइप का है। तो जब हम स्पेसिफिक कंपनियों की बात करेंगे तो इसमें बैंकिंग कंपनी आती हैं, इंश्योरेंस कंपनी आती हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आती है। बोलते क्यों नहीं? इज इट क्लियर? जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो छूट गया क्या, ये स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। क्या स्टार्ट करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। पहले बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के नेचर पर, ताकि हमको इसके ट्रांजैक्शंस आसानी से समझ में आने लगें। भाई मेन चीज़ क्या होती है? किसी भी कंपनी या नॉन कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम डीलिंग्स को समझ लें कि वो बिजनेस किस तरह का करते हैं और नेचर क्या होता है, तो शायद मेरे लिए काम आधा हो जाएगा चीज़ों को सही जगह पर रखने का। हमें अपने आप पता चल जाएगा व्हाट टाइप ऑफ इनकम वुड बी ट्रीटेड एज इनकम, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंडिचर। वी कैन बाइफर्केट और वी कैन क्लासिफाई ऑल द थिंग्स इजीली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर, वी हैव टू फाइंड आउट दोज थिंग्स इन विच द कंपनी आर डील्ड विथ। कंपनी किस तरह के ट्रांजेक्शन्स में डीलिंग करती है? सबसे पहले अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, तो दो तरह की इंश्योरेंस कंपनियां हमको नजर आती हैं। कितनी? एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस, हाँ या ना? दोनों कंपनियां हैं। जब ये प्राइवेट कंपनियों को लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डीलिंग करने की परमिशन नहीं थी, तो दो कंपनियां केवल यहां पर थी, दोनों गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती थी जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। और लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग एक ही नाम जानते थे, LIC, हाथ ऐसे बना हुआ है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हाँ या ना? और उसके नीचे लिखा रहता है बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, कुछ ऐसे ही लिखा रहता है। इंश्योरेंस द वर्क ऑफ सॉलिसिटिंग, मरोगे एक दिन, ये याद रखना। और जब जाओगे ना बेटा, घर वाले सड़क पर आ जाएंगे, हाँ
अच्छा आने हमको तो बोलने दो तो, हमको समझाने दो तो नहीं, तुम आगे ना बढ़ो। बीच में तोड़ दिए। इंश्योरेंस कंपनी देखो ना काम कैसे करती है, इनका बिजनेस प्यार से नहीं चलता, डरा कर चलता है। मैं इससे बोलूं इंश्योरेंस करा लो, चलो जरूरत थोड़ी है, मर थोड़ी रहे हैं। अब मैं ऐसे बोलूंगा मर जाओगे, थोड़ा अंदर से डर आएगा। किसी ने कल देखा है? कल किसी ने देखा है? अरे आज शाम तक का पता नहीं कि वापस आ भी पाए या नहीं। रास्ते से जा रहे हैं, ट्रक बगल से निकल गया, बच जाएंगे। ट्रक पीछे से निकल गया तो बच जाएंगे, और अगर ट्रक ऊपर से निकल गया तो कल्याण हो जाएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो आगे पीछे तो डेली निकलते हैं ट्रक, कब पता कि एक बार ऊपर से भी छलांग मार ले, है कि नहीं? तो किसी ने कुछ देखा नहीं है लाइफ का। तो एजेंट आते हैं, पहले वो ऐसे ही बताते हैं, डराते हैं, उसके बाद आदमी डर जाता है। हाँ मेरे घर वालों का क्या होगा, कौन संभालेगा उन्हें, पढ़ाई कैसे चलेगी, खाना कैसे खाएंगे, टेंशन हो जाती है। तो आदमी कहता है चलो चलो इंश्योरेंस करवा लें। क्या कर लें? बेसिकली इंश्योरेंस एक तो ये सपोर्ट करता है, दूसरा वो सपोर्ट आपको करता है यानी लॉस के अगेंस्ट आपको कंपनसेट करता है। और नॉर्मली एक आदमी को इंश्योरेंस कितना करवाना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द एसेट एंड लाइबिलिटीज। मान लो मेरे पास 20 लाख रुपए की क्या है, एसेट्स हैं, और मुझे जो लोन चुकाना है वो 40 लाख का चुकाना है, चलो 35 लाख का, हाँ है ना, दिस इज माई लाइबिलिटी। और तो और मेरे घर वालों को ऑन एन एवरेज सालाना 60 से 70 हजार रुपए, 1 लाख रुपए चाहिए नॉर्मल खर्च करने के लिए एक साल का। मुझे मालूम है उनको 10 साल का ये कंपनसेशन चाहिए ही चाहिए ताकि वो एक लाइफ को मेंटेन कर सकें। तो अब मुझे मालूम है कि सर अगर आपको कुछ हो गया ना तो घर वालों को 15 लाख रुपए जरूरत पड़ेगी देने के लिए मार्केट को, क्योंकि दुनिया वाले तो दौड़ पड़ेंगे, हमें हमारा पैसा दो, घर बिक जाए तुम्हारा, हमें इससे क्या लेना देना। तो 15 लाख रुपए लेने आएंगे और साथ साथ मुझे 10 लाख रुपए का ये अरेंजमेंट करना है, तो मैं कम से कम 25, 30, 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाऊंगा जिससे घर वालों को मेरे जाने के बाद दिक्कत ना हो। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये भी एक कैलकुलेशन का तरीका होता है, बहुत समरी थी। अब कैसे कैलकुलेट किया जाए कितने की इंश्योरेंस लेनी चाहिए, डिपेंड करता है इनकम पर। अब इनकम है 50,000 रुपए सालाना और सोच रहे मेरे जाने के बाद काश घर वालों को 1-1 लाख रुपए मिलता रहे, तो कमा तो रहे हो जीते जी बेटा 50,000, और जाते जाते तुम चाह रहे हो कि ना रहे तो 1 लाख रुपए मिले, तो दैट डिपेंड्स। तो वो चीज़ें अब अभी छोड़ देते हैं। तो दो तरह की कंपनियां हैं, एक है जनरल इंश्योरेंस और एक है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ एंड डेथ का इंश्योरेंस करती है, जनरल इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस करता है। यानी सारे इंश्योरेंस आपके यहां होंगे, केवल लाइफ का यहां पर होगा। और लाइफ का इंश्योरेंस अगर मैंने एक बार करवा लिया तो उसके बाद मैं मरूंगा नहीं। देखो करी मरेंगे कितना अशुभ अशुभ बोल रहे हो। हाँ बात सही है, अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब डेथ नहीं होगी, होगी पक्का होगी। अगर मैंने इस इंस्टीट्यूट का इंश्योरेंस करवा रखा है जनरल इंश्योरेंस, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब कभी बाढ़ आएगी तो ये गीला नहीं होगा या खराब नहीं होगा, होगा लेकिन उस लॉस के अगेंस्ट हमको कंपनसेशन मिलेगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? तो बेसिकली जो इंश्योरेंस वर्ड है वो इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस तो किसी चीज का किया ही नहीं जा सकता, द वर्ड इज एश्योरेंस। लेकिन वो धीरे धीरे गलत होते होते आज हम लोग इंश्योरेंस इंश्योरेंस वर्ड बोलते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, एश्योरेंस। इज इट क्लियर? पक्की बात है? अगर अमिताभ बच्चन को अपनी टांगों का इंश्योरेंस करवाना हो, लता मंगेशकर को अपने गले का इंश्योरेंस करवाना हो, कहाँ जाएंगे? अरे बोलो ना, लाइफ। गलत जवाब है, यहां केवल जीने और मरने का होता है, उसके अलावा जितने इंश्योरेंस होंगे, हेल्थ का हो, गले का हो, चोरी का हो, फ्लड का हो,
डकैती का हो, फायर का हो, शिपिंग का हो, फॉर्जरी का हो, कोई भी इंश्योरेंस होगा, मोटर व्हीकल का हो, सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस। इज इट क्लियर? इसमें केवल लाइफ एंड डेथ का इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं होगा, पक्की बात। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी? जनरल इंश्योरेंस की। ठीक, आईसीआईसीआई बैंक भी जनरल इंश्योरेंस करती है। आईसीआईसीआई बैंक दो तरह की है इंश्योरेंस की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हाँ, जनरल का पोर्शन अलग, लाइफ का पोर्शन अलग, हर कंपनियां इस तरह से है। बजाज एलियांस नाम सुना होगा, बजाज ने एलियांस के साथ अलायंस करके अपना इंश्योरेंस सेक्टर खोला। मैक्स बुपा, मैक्स इंश्योरेंस, हाँ या ना, कोटक महिंद्रा का भी है, सबने अपना अपना लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कर रखा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वही एक दो कंपनियां आती थी जनरल इंश्योरेंस, सरकार के अंडर में काम करती थी, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस, एंड दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट, मीन्स दे हैव करोर्स ऑफ रुपीज इन देयर रिजर्व बट दे वेर नॉट यूजिंग दैट। आपसे वो करोड़ों रुपए ले लेते थे, उनके पास रिजर्व पड़ा रहता था, लाखों करोड़ों रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ था एलआईसी कंपनी के पास। एक तो वो लोग कभी दरवाजे पर आते नहीं थे, अरे जिसको इंश्योरेंस कराना होगा आएगा, क्योंकि उनका मोनोपोली था, उनको मालूम था मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर है नहीं और वो काम नहीं करते थे। आज की डेट में समय बदल गया, पहले 1000 लोगों में से 5-10-15 लोग अपना इंश्योरेंस कराते थे, आज लगभग लगभग सबके पास अपना इंश्योरेंस, लगभग लगभग जो कमाते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है। गवर्नमेंट दे रही है आपको 20 रुपए और 100 रुपए में इंश्योरेंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर दी, जिसका ओपन होगा अकाउंट उसको तो अपने आप इंश्योरेंस हो जाएगा 2 लाख रुपए का। जनधन योजना में खाता खुलवाओ, इंश्योरेंस पालो बैठे बैठे, देखो ना सिस्टम क्या आ गया, जमाना कहां से कहां बदल गया, हर आदमी का इंश्योरेंस हो रहा है। और यह सब केवल देन है प्राइवेट सेक्टर के आने पर, जब उनके लिए FDI वगैरह अप्लाई कर दी गई, लागू कर दी गई, इन्फोर्स कर दी गई, तो दे स्टार्ट टू डू द बिजनेस और वो कॉर्पोरेट लेवल दिखने लगा। उसके पहले तो LIC का एक फटाफटा बोर्ड नजर आता था मार्केट में, नजर आ गया तो बहुत बड़ी बात है, और अब वो भी कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके वर्कर्स और नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनियों के वर्कर्स हैं, दे आर कॉम्पिटेंट विद ईच अदर, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, और वो करोड़ों रुपए जो अरबों रुपए उनके पास स्टॉक या रिजर्व में रहता था, नाउ दे आर यूजिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरर्स। अब आपके वो फायदे के लिए काम कर रहे हैं, अब आपसे वो ये नहीं कहते पैसा लाओ जमा कर दो मरोगे तो तुम्हारे घर वालों को पैसा दे देंगे ना, ऐसा नहीं बोलते। अब बोलते हैं जीते जी भी आपको पैसा देंगे, आपके जाने के बाद भी आपको पैसा देंगे, घर वालों को भी देंगे और बच्चों की पढ़ाई भी हम ही करवाएंगे, क्योंकि अब उनको अकल आ गई कि इतने सालों तक 40-50 सालों तक उन्होंने अकेले राज किया लेकिन कोई काम का नहीं था। जब तक वो कंपटीशन मार्केट में नहीं आया तब तक कोई फायदा नहीं था, अब हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट भी मिल रहा है। जनरल इंश्योरेंस, अगर मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है 50 लाख रुपए का, मुझे इसका इंश्योरेंस करवाना है, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा मेरे गोडाउन में 50 लाख का स्टॉक है, उसका इंश्योरेंस कर दो। पेपर फॉर्मेलिटीज क्या होती है वो बात की बात है, कंपनी कहेगी ऐसे कैसे कर दें, कुछ पैसा तो दो। अरे ये कौन सा पैसा होता है, ये प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम मांगती है, कहती है फोकट में इंश्योरेंस नहीं होता, यू हैव टू पे समथिंग अगेंस्ट द बियरिंग ऑफ द रिस्क, मैं आपका रिस्क लेने को तैयार हूं, कुछ तो पैसा दो। बताओ अगर मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस करवाना होगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, नियर अबाउट अंदाजा, अगर नुकसान हो गया तो कंपनी हमको 50 लाख रुपया कंपनसेट करेगी, बताओ कितना मांगेगी कम से कम,
रुपए? अच्छा आप बोलो, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मांगेगी, ऐसा कौन सा इंश्योरेंस? सुनो अब तुम लोग, 50 लाख रुपए का सामान है, मैं अगर इसके इंश्योरेंस का 10 लाख भी दे दूंगा 2 मिनट के लिए प्रीमियम का, अगले दिन ये सामान मेरे क्लाइंट को सेल हो जाना है, जो सामान 50 का 60 में बिकेगा, अब क्या मैं 70 में बेच पाऊंगा? ये 10 लाख रुपए तो कॉस्ट हो गई मेरे लिए। अरे इंसानों ऐसे कैसे बोल रहे हो, मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए लगेंगे। आई दादा, मुश्किल से 3 से 4 से 5 हजार रुपए लगेंगे, आपके 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए। अजीब लगा ना? बहुत अजीब लगा होगा। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा किस में जाती हैं? घाटे में। गलत सोचते, मैंने अभी अभी बोला करोड़ों रुपए रिजर्व में पड़े हुए हैं। अब जरा मैं बोलूं कैसे कमाते हैं ये लोग। चलो एक बात बताओ, पूरे दिल्ली सिटी में 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जिनका स्टॉक 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ से ऊपर होगा? 15-20 हजार। तुम्हारा ही डेटा ले लेते हैं बेटा, मान लेते हैं 1-1 करोड़ का स्टॉक है, होंगे इससे ज्यादा, 1 करोड़ का, 50 लाख, और सबके पास 1-1 करोड़ का स्टॉक है। इन लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी को 10-10 हजार रुपए दे रखा है, ठीक है ना? नहीं दे सकते, बताओ कितने रुपए कलेक्ट हो गए कंपनी को 1 साल में? 200 करोड़। कितना करोड़? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यहां तो समुद्र भर गया। 200 करोड़ आ गए, नहीं आ गए? लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, 200 करोड़, इज इट क्लियर? अब हम तुम लोगों से आपका रिजल्ट पूछेंगे, कंपनी को फायदा कितना हुआ। दिल्ली में ऑन एन एवरेज कितने घरों में आग लग जाती है, मतलब टोटल मिलाकर साल भर में? साल भर में कितने लोग के आग लगती है? 50 हजार, तो पूरी दिल्ली जल जाएगी। हाँ बोलो, 50 से 100 लोग, चलो मान लेते हैं तुम लोग 40-50 बोल रहे हो, मैं 100 मान लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं ना होगा। और ये बताओ, जिन 100 घरों में आग लगती है, या ऐसा कुछ केस होता है, दुर्घटनावश दुर्घटना घटती है, क्या वो सारे करोड़पति बिजनेसमैन होते हैं या छोटे मोटे भी होते हैं? इसमें सारे लोग शामिल हैं, छोटे बड़े व्यापारी शामिल हैं। इस चीज की गारंटी कौन देगा कि अगर 100 जगहों पर आग लगी तो वो सारे वही घर थे जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था? हमारे घर का इंश्योरेंस नहीं है, शायद तुम्हारे भी घर का ना हो, शायद तुम्हारे भी घर का ना हो, तो आग कहीं भी लग सकती है। तो इसमें से कितने ऐसे केसेस मान ले जिनका इंश्योरेंस था ही नहीं? 40 मान ले, बचे 60। और हो सकता है जिन 60 लोगों के यहां आग लगी हो, बुझाने का काम ना हुआ हो। नहीं नहीं जल जाने दो, नहीं नहीं आग लगती है लग जाने दो, हाँ बुझाने का काम होता है। हो सकता है कई जगहों पर आग आधे में ही बुझ जाती है, और जरूरी है क्या आग गोडाउन में ही लगे जहां इंश्योरेंस हो रखा हो, किसी और दूसरी जगह ना लगे? यानी इस तरह के केसेस आपको 20 ही मिलेंगे, मैक्सिमम 10 या 20 केसेस मिलेंगे जिनको आपको नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। इंश्योरेंस करवाया था आग के अगेंस्ट, हो गई चोरी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी तुमको, उसका तो तुमने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया। तुमने करवाया था आग का इंश्योरेंस, बाढ़ आ गई, पानी आ गया, क्या उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? आग लगनी थी स्टॉक में, आग लगी हमारी फैक्ट्री में, मशीनों में, क्या उसका पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बमुश्किल 10, 15 या 20 ऐसे होते हैं जिनको उनका पैसा मिलता है, और जरूरी नहीं 50 लाख का स्टॉक नुकसान हुआ, 1 करोड़ का, हो सकता है 10 लाख का नुकसान हुआ, हो सकता है 5 लाख का नुकसान हुआ, हो सकता है 25 लाख का नुकसान हुआ, मान लेते हैं कि नुकसान हुआ 10-10 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी आपको कम से कम देना, और आप लेना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो बात की बात है।
10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऑन एन एवरेज 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख, 5 लोगों के यहाँ 10 लोगों के यहाँ 15 लोगों के यहाँ 20 लोगों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा, तो भी आपका 100 से 150 करोड़ के अंदर निपट जाएगा मैटर। तो भी अगर 10 लाख को भी 10-10 लाख रुपए दे दिया जाए तो भी कितने में निपट जाएगा? 100 करोड़ 150 करोड़ निपट जाएगा। बाकी 40-50-60 करोड़ कंपनी के पास फायदा है, 10 करोड़ कंपनी के पास फायदा है। ये तरीका होता है कंपनी का कमाने का, और ये तो कम माना गया है, सबसे कम लिए गए हैं 10,000। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो कहने का मतलब कंपनी के कमाने का ये तरीका है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस से। किससे? वॉल्यूम ऑफ बिजनेस से। जरूरी नहीं कि जो आपका इंश्योरेंस करते हैं, जो चीज़ हमको डराती है, आग लग जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, वो उसके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा। आग लग गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आग लग गई, दोनों में फ़र्क है। लेकिन कभी कभी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद भी गिरता है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर्स थे ना, आतंकवादियों की नजर लग गई इस पर। इधर ये इंश्योरेंस कंपनी का पूरा ऑफिस था, इन्होंने ऊपर वालों का भी इंश्योरेंस ले रखा था, नीचे वालों का भी इंश्योरेंस ले रखा था। और हवाई जहाज जब घुसा तो सीधे इसमें घुसा। अब कंपनी तो गई नहीं, इंसॉल्वेंट हो गई। इतना ज्यादा उसके ऊपर क्लेम आ गया कि कंपनी तो खुद को वापस निकाले या दूसरों को वापस निकाले। अब बात समझ में आई? तो कभी कभी ये एक्टिविटीज ऐसी कंपनियों के लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती हैं। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमें ये मालूम है जो चीज़ हमारे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा होता है। इज इट क्लियर? पक्की बात है। एक चीज तो समझ में आ गई कि मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। हाँ, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? प्रीमियम। मानते हो इस चीज को? सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इंश्योरेंस कंपनी का। बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? लोन देना नहीं, इंटरेस्ट लेना। लोन देना तो उसका नॉर्मल काम है, लेकिन उस पर वो कमाता है किस नाम से? तो इंटरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बैंक, बट इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम इज द मेन सोर्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। फॉर मी द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज फीस। हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। पेन बेचने वाली कंपनी के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा सेल। अब क्लियर है? पक्की बात है। तो इसके लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? प्रीमियम। और मेन एक्सपेंडिचर क्या है इसके लिए? मेन एक्सपेंडिचर क्या है इसके लिए? जो लॉस पे करेंगे उसको हम कहते हैं क्लेम। क्या कहते हैं? अब समझ में आया? यानी इस इंश्योरेंस कंपनियों का नेचर क्या है डील करने का? ट्रांजैक्शन मेन प्रीमियम लेना और क्लेम का सेटलमेंट करना। प्रीमियम लेना और क्लेम का सेटलमेंट करना। ठीक। ये बच्चा कहता है, सर हमको अपना इंश्योरेंस करवाना है, आज मेरी आंखें खुल गई, आपने हमारी आंखें खोल दी, हम जाएंगे आज इंश्योरेंस करवाएंगे। ये दौड़ा दौड़ा गया बच्चा इंश्योरेंस कंपनी के पास, ICICI के पास। कहता है हमारा इंश्योरेंस कर दो, बिजनेस में स्टॉक रखा हुआ है, आप हमारे स्टॉक का क्या कर दीजिए? इंश्योरेंस कर दीजिए। या ये जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास, कहेगा मेरा इंश्योरेंस करें, वो कहेंगे बैठिए हम आपका इंश्योरेंस कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बोलेंगे? बात भी नहीं करेंगे इससे, बेटा इंश्योरेंस कंपनी कभी डायरेक्ट तुम्हारे साथ काम नहीं करती, एजेंट्स के थ्रू करती। इंश्योरेंस कंपनी जिस दिन से डायरेक्ट काम करने लगेगी ना, काम करने लायक नहीं रहेगी, 2 दिन वो काम ना कर पाए,
इतनी भीड़ लग जाएगी उसके ऑफिस के बाहर उसको प्लान समझाने में। 5 साल का इंश्योरेंस लेंगे इतना लगेगा, 8 साल का इंश्योरेंस लेंगे, एक ही क्लाइंट को ऊपर दिन भर समझाएंगे, वो क्लाइंट कहेगा नहीं करवाना, शाम को चला गया। और 1000 लोग लाइन में खड़े थे, किसी से बात भी नहीं हो पाई। अरे नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट अपॉइंट करती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, कभी वो डायरेक्ट काम ही नहीं करेगी, डील ही नहीं करेगी आपसे। आप ले जाएंगे, हम पैसा देने को तैयार हैं, चल एजेंट का नाम लिख। किस एजेंट का? अरे किसी न किसी एजेंट का नाम लिखना पड़ेगा। और तो और, आप नहीं चाहते हम किसी एजेंट को रखें, आप कहेंगे ठीक है किसी का भी नाम डाल दें, तो वो कहेगा चल मेरा ही नाम डाल दे, मेरा एजेंट कोड एजेंसी कोड डाल दे। उसको मालूम है डायरेक्ट काम होने से रहा इसका, मेरा ही एजेंसी कोड डाल दे, तुम प्रीमियम जमा करोगे उसके घर में कमीशन पहुंचेगा। और तुम लोग को अच्छी तरह मालूम होगा, एक केस है यूलिप, एक प्लान होता है यूलिप, नाम सुना है? नहीं सुना, नहीं सुना। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सुना है? अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है सुना होगा। अरे अभी तो सुना ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सुन लिया ना। ये क्या होता है, ये कौन सा प्लान है, आखिर क्या है ये प्लान? पहले इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा रख लेती थी, इन्वेस्ट नहीं करती थी। अब आता है इंश्योरेंस एजेंट आपके घर, कहता है इंश्योरेंस करवा लो, अच्छा रिटर्न देंगे। अरे इंश्योरेंस करवाने आए हो या कमवाने के लिए आए हो? सिस्टम चेंज, बिल्कुल सिस्टम चेंज। आज हम बात करते हैं किसी इंश्योरेंस एजेंट को, हेलो आ जाओ मिलने इंश्योरेंस करवाना, वो आता है तो हम पूछते हैं कितना रिटर्न दोगे? अरे अजीब लग रहा है, यहां तो हम लॉस की बात करने आए थे कि मेरा कुछ लॉस होगा तो तुम हमें उस लॉस से निकालोगे, यहां तो हम अब बात कर रहे हैं कितना रिटर्न दोगे। और तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता है, पहला आंसर भी होता है हम आपको इतना रिटर्न देंगे, दूसरी कंपनी को मुकाबले अच्छा रिटर्न देंगे। अरे यानी हेयर राइट नाउ द सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन चेंज ड्रास्टिकली। Now they are not covering the insurance alone, they are giving you the returns also. कैसे रिटर्न देते हैं? आएंगे कहेंगे 10,000 रुपए महीना जमा करिए, भाई साहब आपको क्या मालूम, 10,000 महीना जमा तो करिए, 5 साल बाद आपको हर हफ्ते, अरे हर महीने 5,000-5,000 रुपए मिलेगा, हर महीने 5,000-5,000 रुपए मिलेगा आपको, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर इन केस अगर डेथ हो जाती है तो 10,00,000 रुपए घर वालों को मिलेगा। अरे आदमी तो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 अगर आपको केवल और केवल इंश्योरेंस करवाना है, जिसको हम कहते हैं प्योर इंश्योरेंस, क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस, क्या कहते हैं, प्योर इंश्योरेंस करवाना है, और मुझे अगर अपनी लाइफ का 10,00,000 का इंश्योरेंस करवाना हो, तो 4,000 रुपए से 5,000 रुपए सालाना लगेगा, और वो हमसे मांग कितना रहा है, और तुम देने को तैयार हो। क्योंकि अगर कोई एजेंट आपके घर आता है, वो आपको कभी भी प्योर इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताएगा, टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताएगा, दे स्टार्ट विद यूलिप, वो आपको यूलिप के बारे में ही बताएंगे कि आप इतना पैसा देते हैं, इसमें से इतना हम इन्वेस्ट कर देंगे, आपको इतना रिटर्न मिलने लगेगा, और डेथ के बाद इतना रुपया मिलेगा, बात खत्म। हम लोग खुश हो जाते हैं, इतना मिलेगा। अरे भाई अगर आपने प्योर इंश्योरेंस लिया होता 10,00,000 रुपए का केवल, तो आपको केवल और केवल सालाना 5,000 रुपए देना पड़ता। अब तो मैं 1,20,000 दे रहा हूं, 1,15,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं, अब उसमें भी रिटर्न ना मिले? मिले ना। ये जो 1,15,000 हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी जानते हो क्या करती है, क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको ढंग से सुनो। फर्स्ट प्रीमियम जो आप लोग देते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत है सही है क्या है, वो कंपनी की अपनी पॉलिसी है, वो अपने इंश्योरेंस एजेंट को इस फर्स्ट प्रीमियम जो आप 10,000 दोगे 20,000 दोगे, उसका 30-40% कमीशन चला जाता है आपके एजेंट के पास। कितना? यानी आपने सोचा हम एजेंट को दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये जाकर जमा करेगा, और वो जमा भी करेगा 10,000, लेकिन अगले दिन उसके घर पे 4,000 का चेक भी पहुंच जाएगा, तो किस चीज पर इम्फेसाइज करेगा, प्योर इंश्योरेंस पर या यूलिप पर? यूलिप पर करेगा।
वो चाह करके भी आपको ये नहीं बताएगा 10 लाख, उसको मालूम है अगर हम ये बता देंगे तो सामने वाला मैक्सिमम केस में उस केस में डाइवर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब जिसको मालूम है वो तो अपना प्योर इंश्योरेंस करवाएगा, और जिसको नहीं मालूम है उनकी आदत हो चुकी है, ठीक है ना। आखिर हम ट्रांजैक्शन दो देखें, प्रीमियम और क्लेम, लेकिन जरा ढंग से सोचो तो मैंने आपको एक और मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर बताया, कमीशन। जब जब आप प्रीमियम दोगे तब तब कमीशन की बात होगी, जब जब प्रीमियम पहुंचेगा कमीशन पहुंचेगा। तो क्लेम नहीं, कमीशन भी मेन सोर्स एक्सपेंडिचर का। और तुम लोग को मालूम है, सुन, मालूम है ये शेड्यूल वन है अकॉर्डिंग टू IRDA के हिसाब से, शेड्यूल टू है और शेड्यूल थ्री। देखो ना कितने प्यार से बनाया हुआ है, बात समझ में आई? शेड्यूल वन, शेड्यूल टू एंड शेड्यूल थ्री, हमको अब इनके बारे में बात करनी है। अगर हमारे ये तीन शेड्यूल तैयार हो जाए, बाकी तो हम लोग जानते ही, हम तो बड़े तेज आदमी हैं, इनकम अपनी जगह रखना जानते हैं, खर्चे अपनी जगह रखना चाहते हैं, और फिर हम लोग को तो फॉर्मेट एक बार सर आप बता देंगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगर ये तीन स्टेटमेंट हम लोग के ढंग से तैयार होने सीख जाएं तो चलें। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रीमियम की। किसकी बात करेंगे? जिसको हम कहते हैं प्रीमियम अर्नड। क्या बोलते हैं? यानी प्रीमियम को कमाना। कैसे कमाते हैं प्रीमियम? एक होता है डायरेक्ट बिजनेस और एक होता है रीइंश्योरेंस। सुनना इधर, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन होगा तुम लोग आंख बंद करके सॉल्यूशन कर सकते हो अगर नेचर मालूम हो जाए, नहीं तो बेटा इसमें अच्छा खासा फॉर्मेट बच्चे पट 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 रटते हैं और एग्जाम में जाकर वहीं गलत करते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज़ें होती हैं। नेचर समझ में आ जाए कब लेना कब देना, तो वही री इंश्योरेंस हमारा लेना भी होता है, वही री इंश्योरेंस हमारा देना भी होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कब लेना और कब देना। दो तरह से, मैं इंश्योरेंस कंपनी में बैठा हुआ हूँ, ये आया पुनीत, कहता है कि सर पुनीत ना, सुमित, अच्छा गड़बड़ हो गया, लास्ट में त सही था। सुमित आया मेरे पास, कहता है कि सर हमें इंश्योरेंस करवाना है। मैंने कहा आ जाओ करवा लो, इसे कहते हैं डायरेक्ट इंश्योरेंस। मैं एजेंट हूँ, मैं तुरंत इसका इंश्योरेंस कर दूंगा, मैं इसका इंश्योरेंस करूंगा, इससे पैसा लूंगा और इससे जो मैं चेक लूंगा वो मैं कंपनी के पास दूंगा और कंपनी मुझे कमीशन देगी और इन केस ऑफ मिस हैपनिंग कंपनी इसको कंपनसेशन देगी, यानी क्लेम देगी। यही तो है, ये डायरेक्ट बिजनेस है जहां पर एक क्लाइंट डायरेक्ट जाता है कंपनी से बात करता है। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक और वर्ड आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस। मैं इसको थोड़ी देर में काट दूंगा, वापस काट दूंगा, केवल मैं समझाने जा रहा हूं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अमिताभ बच्चन मेरे पास आया, चलो नाम ले उनका, दिल पर तो नहीं लोगे ना। अमिताभ बच्चन मेरे पास आए, कहते हमें इंश्योरेंस करवाना है 50 करोड़ रुपए का। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोग बताओ खुशी के मारे या दुख के मारे? हाँ बोलो, दोनों खुशी के मारे, इसलिए कि मैंने अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस किया, मैंने अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस किया
और 50 करोड़ का किया, 100 करोड़ का किया, अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। बंदा तो 5 करोड़ 6 करोड़ दे देगा और मेरा कमीशन सोच लो कितना होगा, हम तो बैठे बैठे करोड़पति हो गए, हाँ या ना। लेकिन दुख भी उससे ज्यादा, अगर इन केस कुछ हो गया, भगवान ना करे, तो कंपनी जितना साल भर का प्रॉफिट है एक सेकंड में खत्म। मेरी बात समझे, हाँ या ना। अब मैं उनको ये भी नहीं कर सकता, सर नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस जा रहा है और ये बंदा कहीं ना कहीं से करवा लेगा, होना है। या तो मैं उस बिजनेस को छोड़ दूं, या तो कैच कर लूं। क्या करूं, कैच करूं। तो कैच करने के दो रास्ते, पहला रास्ता यानी डायरेक्ट मैं नहीं जाना चाहता। अब मेरे पास दो और रास्ते हैं, एक है री इंश्योरेंस, एक है को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस मैंने बता दू, आप बैठिए चाय पीजिए, मैं अभी आया बाहर गया मोबाइल लेकर दूसरी कंपनी को, है बजाज, मैं ICICI, मैं कहूँगा बजाज या दूसरी ICICI, आ जा मेरे पास केस आया है, मिल बांट करके कर लेते हैं। तो पूछेगा किसका, बताऊंगा, वो भी खुश और वो भी दुखी। लेकिन चूंकि रिस्क बंट रहा है, अब वो लॉस अगर होगा तो बट जाएगा, हाँ या ना। तो हम उसको बुला लेंगे और वहाँ इंश्योरेंस कर देंगे। अब समझ में आई बात, समझे मेरी बात। इसको हम कहते हैं को इंश्योरेंस, इसको कहेंगे वो भी बैठेगा मेरे साथ टेबल पर, मैं भी रहूंगा और सामने, हाँ, और उसके बाद वो अलग पेपर साइन करवाएगा, मैं अलग पेपर साइन करवाऊंगा, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा, मैं अपनी जिम्मेदारी अलग अलग लूंगा, हाँ या ना। इसको हम कहते हैं को इंश्योरेंस, यानी मिल करके इंश्योरेंस करना। इन केस ऑफ लॉस वो अपना लॉस देखेगा, मैं अपना लॉस देखूंगा, मैं अपना क्लेम, वो अपना क्लेम, लेकिन पेपर एक ही रहेंगे। क्योंकि अमिताभ बच्चन कहेंगे हम नहीं चाहते इधर से हो, इधर से, हम तो आए थे आपके यहाँ, अब आप 10 लोगों के यहाँ से सामान बिकवाएंगे, हम नहीं, हम पेपर एक ही। तो वहाँ पर पूरा क्लॉज होता है, उस पर मेरा भी साइन होगा और बगल वाले कंपनी का भी साइन हो जाएगा, बाद में खत्म, को इंश्योरेंस का पेपर तैयार, एक ही पेपर पे। अब भले अमिताभ बच्चन क्लेम करें बाद में पैसे के लिए, तो वो हम दोनों लोग मिल करके उसको निपटाएंगे। इसको कहते हैं को इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब मैंने इंश्योरेंस अकेले कर डाला, अमिताभ बच्चन साहब ऑफिस से घर चले गए, उसके बाद बीपी मेरा हाई होने लगा, अब मैं क्या करूं, अब तक तो खुश थे लेकिन अब दुख है। तुरंत मैंने बगल वाले कंपनी को बुलाया, ए बजाज आजा, आएगा, मैं कहूंगा देख मैंने इंश्योरेंस कर डाला, अब मैं इसका दोबारा इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस तुमसे करवाना चाहता हूं। द इंश्योरेंस हैज ऑलरेडी बीन डन, नाउ आई जस्ट वांट टू गेट द इंश्योरेंस फ्रॉम योरसेल्फ टू, हाँ या ना। मैं अपना रिस्क कवर करना चाहता हूं, कम करना चाहता हूं, तुम भी अब इसमें साथ दो। उसको दिक्कत होगी, कौन ऐसा बंदा है जिसको अपना सामान बेचने में दिक्कत होती हो? अरे जब तुम्हारा बिजनेस ही वही है, इंश्योरेंस करना और कराना और लॉसेस बियर करना और प्रीमियम लेना, तो करो ना। तुमको हम बैठे बैठे 20 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं, 100 करोड़ का मैं ले चुका बिजनेस, तुम्हें 20 करोड़ का दे रहे हैं, तुम्हें 30 करोड़ का दे रहे हैं, तुम दोनों को दिक्कत है, दिक्कत है? अरे हमको 100 करोड़ पर कमीशन मिलेगा तो तुम्हें 20 करोड़ पर मिलेगा, दिक्कत है? तुम्हें 30 पर मिलेगा, दिक्कत है? अरे कहां से दिक्कत होगी, सबको अपना अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, तुरंत इंश्योरेंस हो जाएंगे, री इंश्योरेंस। बट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, फर्स्ट द क्लेम विल बी डन ऑन मी, आई लॉज द क्लेम ऑन यू, हाँ या ना। मैं वो क्लेम आप लोगों से लॉज करके पैसा लूंगा, लेकिन सामने वाला जो बंदा है वो हम ही से लेगा, वो आप लोगों को जानता ही नहीं है। इसे कहते हैं री इंश्योरेंस, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने री इंश्योरेंस छोड़ा या लिया? छोड़ा, मैंने री इंश्योरेंस छोड़ा है, इंश्योरेंस छोड़ा है, मैं अपनी बात करूं तो मैंने छोड़ा है। इसको हम कहते हैं री इंश्योरेंस सेडेड, क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस सेडेड। और तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है,
तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हाँ हाँ हम रिस्क लेने को तैयार हैं, जिम्मेदारी तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस जिम्मेदारी के अगेंस्ट तुम लोग क्या मांगोगे? प्रीमियम। तो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, क्या होगा? री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अच्छा, अगर मैं री इंश्योरेंस छोड़ता हूं तो इसका मतलब मैं प्रीमियम दूंगा, मैं प्रीमियम दूंगा, तो प्रीमियम मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और अगर री इंश्योरेंस मैं एक्सेप्ट करता हूं, तुम मेरे पास आए, मेरे पास अमिताभ बच्चन आया था, भाई साहब तुम लोगे इसका कुछ हिस्सा, मैं कहूंगा हाँ हाँ ले लूंगा, तो मैं तुमसे प्रीमियम लूंगा, मैंने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है, एक ऐसी चीज का इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है जो ऑलरेडी इंश्योर्ड था, तो मैंने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया तो मुझे क्या दोगे तुम? प्रीमियम। तो री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करने पर प्रीमियम रिसीव्ड होता है। बात समझ में आई? ये डायरेक्ट बिजनेस में इंश्योरेंस एक्सेप्ट हुआ था, क्या एक्सेप्ट हुआ था, तो यहां पर प्रीमियम मिला था, प्रीमियम अर्न था। तो जब जब आप इंश्योरेंस एक्सेप्ट करोगे तब तब आपको प्रीमियम मिलेगा, और जब जब आप इंश्योरेंस सेडेड करोगे आपकी जेब से प्रीमियम जाएगा। केवल इतना रहता ना तो दिक्कत नहीं आती। सुनो इधर, यहां तक तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अरे मैंने री इंश्योरेंस छोड़ा है, तुमको प्रीमियम दिया है, लेकिन मैं तुमसे वसूलूंगा क्या? कमीशन। यानी जब जब मैं री इंश्योरेंस छोड़ूंगा कमीशन रिसीव्ड करूंगा, जब जब मैं प्रीमियम किसी को दूंगा कमीशन मिलेगा, और जब जब मैं किसी को प्रीमियम दूंगा क्लेम रिसीव्ड करूंगा। आया ना? तो री इंश्योरेंस सेडेड पे प्रीमियम जाता है, क्लेम आता है और कमीशन आता है, और जब जब री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करूंगा तो प्रीमियम आएगा लेकिन कमीशन जाएगा। बोलते क्यों नहीं? क्लेम जाएगा। देखो ना कितना आसानी के साथ हो गया, रटने की अब जरूरत नहीं है कि री इंश्योरेंस के किस केस में पैसा आता है और किस केस में पैसा जाता है। बस ये इतनी चीज अगर तैयार है तो तुम लोग का ये टॉपिक पूरा कवर है, कोई अब दिक्कत नहीं आने वाली, ना तो प्रीमियम अर्न पर, ना तो कमीशन पर, ना तो क्लेम्स पर, तुम्हारे तीनों शेड्यूल तैयार हो जाएंगे अगर ये चीज क्लियर है तो। प्लस माइनस क्या होता है समझ में आ गया? फिर मैं बोलूं, मैंने इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया, मैं जिम्मेदारी फ्री में एक्सेप्ट करूंगा, क्या लूंगा? प्रीमियम। लेकिन जब मैं प्रीमियम लूंगा तो तुम्हें क्या दूंगा? कमीशन। और लॉस के समय क्या दूंगा? क्लेम। अगर मैंने री इंश्योरेंस छोड़ा है तो तुमने हां किया है, हां करने के बदले तुम हमसे प्रीमियम मांगोगे, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं कमीशन मांगूंगा, और उसके बदले मैं लॉस के समय क्लेम मांगूंगा। और अगर मैंने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है तो मैं ऐसे ही जिम्मेदारी थोड़ी हां करूंगा, मैं प्रीमियम मांगूंगा, और प्रीमियम के बाद मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, और कमीशन के साथ साथ अगर लॉस हुआ तो क्लेम भी पे करूंगा। अब क्लियर है? सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर है? हमें नहीं लगता इस टॉपिक में कोई दिक्कत होगी अभी तक। आगे चलें? पक्का?
चलो ये समझ में आया। अब एक और खास बात समझो, जब भी इंश्योरेंस होता है, ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, अभी हम कुछ फॉर्मेट वगैरह नहीं बता रहे, हम केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो फॉर्मेट बड़े आसानी से समझ में आता जाएगा, और खुद बोलोगे सर इसको जोड़िए, इसको घटाइए, इसको ऐड करिए, इसको सब्सट्रैक्ट करिए, क्लियर। चलो अब अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, ये मेरे पास आया, कहता है सर मुझे इंश्योरेंस करवाना है, ये 1 अप्रैल 2016 को मेरे पास आया, और इसी साल मेरा नया साल शुरू हुआ बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर, मैं इंश्योरेंस कंपनी। अब बताओ इससे मैंने 10,000 रुपये लिए प्रीमियम के, जानते हो? पूछो क्या नहीं जानते हो इसका मतलब? जानते हो ये जो रिस्क मैं हाँ कर रहा हूं ना, जो मैंने रिस्क हाँ किया, ये पूरे जन्म जन्म का साथ नहीं है, केवल 12 महीनों के लिए हम हाँ कर रहे हैं। कितने महीनों के लिए? इन केस ऑफ लॉस इन दीज 12 मंथ्स, I am going to accept your loss if loss will be occurred in these 12 months. Means by the end of 31st March 2017. In case of loss, मैं बर्दाश्त करूंगा तुम्हारा नुकसान, क्योंकि इंश्योरेंस पूरे एक साल तक इफेक्टिव रहता है। मेरे पास, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, 1 अप्रैल को 10 क्लाइंट आए होंगे, 2 अप्रैल को कोई नहीं आएगा मेरे पास इंश्योरेंस कराने, कोई नहीं आएगा। जिसको आना था कब आ गया? 2 अप्रैल को कोई आएगा? आएगा। मना करेंगे क्या क्लाइंट को? 2 को मत आना। अरे 2 को आओ, हो सकता है 50 लोग आए, यहां 10 लोग आए, हो सकता है 2 को 50 लोग आए, कौन मना किया हुआ है? इनसे भी मैंने पैसा लिया, और वो कब तक इफेक्टिव रहेगा? वो कब तक इफेक्टिव रहेगा? 31 मार्च या 1 अप्रैल? कितने आश्चर्य की बात है, अगर किसी के घर में 1 अप्रैल को आग लग जाए, बाढ़ लग जाए, फोन करेगा अपने दोस्तों को, अरे यार आग लग गई, आग लग गई, कहेगा अप्रैल फूल बना रहा है, लगने दो। तो नहीं समझो, उस समय बड़ा गड़बड़ होता है 1 अप्रैल को कुछ होता है तो। हाँ बताओ कब इफेक्टिव रहेगा, कब तक? 1 अप्रैल तक रहेगा या 31 मार्च तक? अरे बोलने में क्या दिक्कत है? 31 मार्च गलत जवाब, 1 अप्रैल। मैंने कहा ना 12 महीना, इसको तुम लोग कम कैसे कर सकते हो? अगर मेरे पास 5 अप्रैल को 100 क्लाइंट आ गए, तो बताओ इनका लॉस हमें कब तक बर्दाश्त करना है? अरे हाँ, अब जैसे जैसे इधर से एक एक दिन बीतेगा, अगले साल का एक एक दिन बढ़ता जाएगा। अब मेरा बुक्स क्लोज कब होगा, साल कब खत्म होगा मेरा? और मैंने आपसे प्रीमियम ले रखा है पूरे साल भर में 10 करोड़ रुपए, मान लो 100 करोड़ रुपए, मान लो प्रीमियम ले लिया। कुछ लोगों को उस साल का उसी साल नुकसान हो गया, और कुछ लोगों का नुकसान कभी भी हो सकता है, क्योंकि उनका अभी रिस्क का ड्यूरेशन मेरा खत्म नहीं हुआ। कई लोगों का तो अभी, मेरे पास 30 मार्च 2017 को एक आदमी आया, मेरा इंश्योरेंस कर दो, तो इस साल तो उसका एक ही दिन है, और बाकी 364 दिन तो अगले साल वाले हैं। और कई लोगों का तो 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, कई लोगों का 2 अप्रैल को लॉस खत्म होगा, मतलब रिस्क खत्म होगा। मैं क्या करूं? मैं क्या अपनी सारी की सारी इनकम 31 मार्च 2017 की मान लूं? मान लूं सारी इनकम 31 मार्च 2017 की है? ऐसे कैसे मान सकते हो? अरे अभी तो आपने जो इनकम ली है पूरे 12 महीने के लिए ली है,
और एक्रूवल कंसेप्ट आपका बोलता है कि जिस साल की जो इनकम हो उसी साल क्रेडिट करो, जिस साल का जो खर्चा हो उसी साल डेबिट करो, पिछले साल की इनकम पिछले साल का खर्चा पिछले साल, इस साल की इनकम इस साल का खर्चा इस साल, तो अगले साल का खर्चा इस साल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगले साल की इनकम जो आपको इसी साल मिल गई है उसको आप इस साल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? तो अगले साल का जो प्रीमियम आपको इसी साल मिल गया है उसको आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो भाई? आप पूरी इनकम कैसे मान सकते हो? यानी ये इनकम जो मुझे पूरी 10 करोड़ मिली है ये पूरी इस साल की नहीं है, मिली इस साल है, इसका मैक्सिमम पोर्शन अगले साल तक के लॉस को बियर करेगा, यानी इसका मैक्सिमम पोर्शन मेरा अगले साल बिलोंग करता है। अब अगर हम एक एक केस पर ऐसे कैलकुलेशन करने लगे बेटा, तो कैलकुलेटर कंप्यूटर और 50 लोगों को और बैठाना पड़ेगा ना। कोई आदमी 1:01 पर आया होगा तो कहेगा 1:01 के पहले लॉस हो गया मेरा। अरे भाई कहाँ तक कैलकुलेशन पॉसिबल है मेरा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए एक सिंपल सा रूल बनाया गया, कहा गया कि आप एक रिजर्व मेंटेन कर लो, और उस रिजर्व को हम लोग नाम देंगे अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, यानी ऐसा रिस्क जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और उसका प्रीमियम हमें मिल चुका है उसके लिए एक रिजर्व बना लो। दो तरह की कंपनियां होंगी, एक मैरिन इंश्योरेंस जो समुद्री बीमा करती हैं शिपिंग वगैरह का, और एक अदर देन मैरिन इंश्योरेंस। हम लाइफ इंश्योरेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम डकैती की बात कर रहे हैं, फॉर्जरी की बात कर रहे हैं, लॉस बाय फायर की बात कर रहे हैं, लॉस बाय फ्लड की बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक के थ्रू बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। लाइफ की बात अभी तक मैंने कहीं नहीं की। अदर देन मैरिन इंश्योरेंस ये बहुत रिस्की होता है, समुद्र के बीच में अगर जहाज में ऊ आ भी हुआ तो पूरा जाएगा, बचने की उम्मीद कुछ मत करना, इतना रिस्की है। और जबकि अदर देन मैरिन में चोर पकड़ा भी सकता है, 10 दिन बाद भी पकड़ा सकता है, लेकिन यहाँ जो सामान गया वो आग से सामान को बचाया भी जा सकता है, बाढ़ से बचाया भी, वो बात की बात है, लेकिन इसमें रिस्क की पॉसिबिलिटी, और इसमें अगर 1 घंटा और समुद्र में जहाज है तो रिस्क उतना ही बरकरार है, नहीं समझे? और यहाँ अगर 364 दिन बीत गए, 1 दिन बच गया, तो इसका मतलब अब आग लगने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। मेरी बात समझना, दोनों में फर्क है ना। तो इस केस में कहा गया कि इतना प्रीमियम को बांटने से अच्छा है ये पूरा 100% रिस्कियर है, तो 100% प्रीमियम आपका, यानी साल भर में आपने प्रीमियम पाया, 1 रुपया भी आप इनकम नहीं दिखाओगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको प्रीमियम मिला, आप 1 रुपया भी अपनी इनकम नहीं दिखाओगे, सारा का सारा प्रीमियम रिजर्व में ले जाओगे। खुशखबरी यह है कि यह सारा प्रीमियम जिसको हम इस साल रिजर्व में ले जा रहे हैं वो अगले साल की इनकम बन जाएगा, वो अगले साल की इनकम बन जाएगा, और अगले साल का प्रीमियम उसके अगले साल का इनकम बनेगा। मेरी बात समझना, ये मत सोचना 1 रुपया भी इनकम नहीं बना, पूरा इनकम बन गया, लेकिन इस साल का जो प्रीमियम है मैरिन के केस में वो अगले साल का, क्योंकि 100% हम रिजर्व बनाएंगे, 100% प्रोविजन इज टू बी मेड अगेंस्ट द प्रीमियम रिसीव्ड इन केस ऑफ मैरिन इंश्योरेंस। बट हेयर इन दिस केस 50% प्रीमियम हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये 50% अगले साल की इनकम बनेगा, अगले साल का तो अगले साल का 50% है ही, इस साल का भी 50% जुड़ जाएगा, अगले साल का 50% तीसरे साल की इनकम बनेगा, और तीसरे साल का जो 50% है वो उस साल की इनकम तो बनेगा ही बनेगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना। तो ये मत कैलकुलेट करना 1 रुपया 2 रुपया, उतने पर हम लोग नहीं बैठे हैं, हो सकता है लाखों का डिफरेंस आ जाए, लेकिन उससे हमको कोई फर्क, दिस इज द नॉर्मल प्रोविजन। इन केस ऑफ मैरिन इंश्योरेंस वी हैव टू मेक अ प्रोविजन 100% इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, वाइल इन केस ऑफ other than marine insurance we have to make the provisions for 50% of the premium received during the year. Is it clear? Note kar lo.
इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो, थोड़ा भी डाउट हो। नहीं है, हटा सकते हैं, ये क्लियर है। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग प्रीमियम और उससे रिलेटेड बोनस और प्रॉफिट्स, कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम लेने वाले, यानी कि जो आदमी, भाई आप इंश्योरेंस कंपनी के क्या बन गए, स्टेक होल्डर, क्या बन गए, शेयर होल्डर। नहीं, फ़र्क मालूम है कि नहीं दोनों में, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फ़र्क मालूम है? हाँ बोलो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती हैं कंपनी से रिलेटेड, चाहे लेने वाले चाहे देने वाले, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं वो लोग कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स, इज इट क्लियर? उसमें एम्प्लॉयज़ भी कवर्ड होंगे। तो अब आप कंपनी के क्या बन गए, स्टेक होल्डर बन गए। कंपनी कभी कभी कहती है हमने खूब कमा लिया, खूब कमा लिया। अब कमा तो लिया, लेकिन आप लोगों के कारण ही तो कमाया कंपनी ने। You taken the insurance from the insurance company. That's why the company was capable to earn. Now the company is very happy. Company just want to distribute that amount of surplus amongst you. The company wants to distribute the amount of profit amongst you. Even though you are not the shareholder, but the company just want to distribute it amongst you. Now it can be distributed in different ways. पहला तरीका, अगले साल का तुम 10,000 रुपये मुझे प्रीमियम दोगे, हम बड़े खुश हैं, हमारी कंपनी ने बहुत कमाया, चल 1,000 कम कर लेना। कमाई को मैंने ऐसे यूज किया, हाँ या ना? या तुम्हारा प्रीमियम बढ़ा दिया, जो तुम्हारा रिस्क है वो बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारा कंपनसेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। तो कभी कभी कंपनी बोनस कैश में दे देती है, कभी कभी बोनस का यूज आपके प्रीमियम को घटाने में किया जाता है। तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बोनस इन कैश यानी सरप्लस को कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने स्टेक होल्डर या ऐसे लोगों के बीच में, वो हम लोग को देखना है। बाकी हम लोगों का जो शेड्यूल बनेगा वो भी नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे हम लोग। अभी तुम लोग केवल ये याद रखना कि इंश्योरेंस कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो तीन पार्ट में बनाती है। पहला होगा रेवेन्यू अकाउंट, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, जो इसका रिजल्टेंट फिगर होगा उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसी में ही कंपनी काम कर रही है। रेवेन्यू अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला जाता है, एंड द लास्ट वन इज योर बैलेंस शीट। और हमें इन तीनों के फॉर्मेट्स देखने हैं, क्या देखने हैं, किसके किसके, रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनके पूरे शेड्यूल्स देखने पड़ेंगे। मेन यही तीन हैं, कौन से तीन, प्रीमियम अर्न्ड, क्लेम्स पेड एंड कमीशन पेड, दैट्स इट। इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का तीनों से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व होंगे, और ये प्रॉफिट फॉर्मेट्स देखने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।